रालोद से चुनाव छिन छिना तो सपा से गठबंधन के नतीजों पर होगा असर। वेस्टर्न यूपी में लगेगा झटका। नगरी निकाय चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल का उत्तर प्रदेश से राज पार्टी का दर्जा छिन जाने का असर गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी पर भी पड़ेगा। सपा पश्चिम यूपी में रालोद के ही सहारे भाजपा को चुनौती दे रही थी। हाल ही में हुए खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद की जीत ने सपा को और बल दे दिया था। अगर रालोद का चुनाव चिन्ह छिन गया तो सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम यूपी में गठबंधन को हो सकता है। रालोद की नींव पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने वर्ष 1996 में रखी थी। वर्ष 2002 में उसे राज पार्टी का दर्जा मिला था। करीब 21 वर्ष बाद उसकी राज पार्टी की मान्यता खत्म हो गई है। अब रालोद पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल माना जाएगा। इस समय रालोद के उत्तर प्रदेश में 9 विधायक है। रालोद राजस्थान में भी सक्रिय रहती है, वहाँ उसका एक विधायक है। प्रदेश में वे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन करते हुए 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे सिर्फ 8 सीटों पर ही सफलता मिली थी। उसे मात्र 2.85% वोट ही मिले थे। हाल ही में खतौली विधानसभा के उपचुनाव में उसे सफलता मिली थी। चुनाव आयोग के निर्णय से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी निकाय चुनाव भी सपा के साथ मिलकर लड़ने जा रही है। इसका असर गठबंधन पर तो नहीं पड़ेगा, किंतु रालोद सपा से सीटें मांगने में कमजोर जरूर पड़ जाएगी। अगर चुनाव चिन्ह छिन गया तो रालोद की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। सपा भी रालोद के प्रत्याशियों को अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतार सकती है। ऐसे में जीतने वाले प्रत्याशी सपा के ही कहलाएंगे। इसका असर वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रालोद पर पड़ेगा। दरअसल राज पार्टी का दर्जा खत्म होने के बाद उसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप मुक्त श्रेणी में चला जाएगा। ऐसे में रालोद या कोई भी दल उसे हासिल करने के लिए आयोग में अनुरोध कर सकता है। रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे कहते हैं कि निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के लिए यह बड़ा झटका है। जल्द ही पार्टी रणनीति बनाकर आगे की तैयारी करेगी। चुनाव चिन्ह बचाने के लिए भी पार्टी प्रयास करेगी।